हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बजट चैप्टर का पार्ट 4, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बजट घाटा क्या होता है। साथ ही डिस्कस करेंगे बजट घाटे के अंदर हमें कौन कौन से घाटे कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसा कि आज का टॉपिक है, मैंने बताया आपको, मैं बताने वाला हूं आज बजट घाटा क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, बजट घाटे को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बजट जो घाटे होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। बजट घाटा, गाना सुना होगा ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो घाटा का मतलब क्या हुआ जी? घाटे का मतलब होता है जब देना ज्यादा पड़े, लेना कम पड़े। विच मीन्स, अगर आप एग्जाम्पल के लिए आपने कोई बिजनेस खोला, आपके जो इनकम आ रही है वो कम आ रही है, लेकिन खर्चा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, आपको घाटा हो रहा है। उसी तरह से देश की सरकार जो बजट बनाती है उसे उसमें क्या होता है, घाटा होता है। तो कई तरह के यहाँ पर घाटे निकाले जाते हैं। तो चार तरह के घाटे आप पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहला जो आप घाटा यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्व घाटा। आपको पता होना चाहिए राजस्व घाटा, नोट करते जाना साथ के साथ या बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो दूसरा पढ़ेंगे आप वो पढ़ेंगे बजटीय घाटा, बजटीय घाटा, ठीक है। और तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, ठीक है। और लास्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा। अब राजस्व घाटा पर समझ आ गया, बजटीय घाटा समझ आ गया, राजकोषीय घाटा समझ आ गया, राजकोषीय घाटा समझ आ गया और प्राथमिक घाटा समझ आ गया कि चार पढ़ने पड़ेंगे। आप में से हो सकते हैं कई सारे बच्चे बोले कि सर हमारे में राजस्व दिया है, राजकोषीय दिया है, प्राथमिक दिया, लेकिन क्या नहीं दिया, बजटीय घाटा नहीं दिया। तो बेटा आपको बजटीय घाटा ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी बुक में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो यहां से पढ़ लो, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। तो इन घाटों को समझने के लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारी आय क्या होगी, कम, और व्यय क्या होंगे, ज्यादा। तो इन घाटों को समझने के लिए पहले आपको ये चार्ट दोबारा समझना पड़ेगा जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको समझाए थे। क्या कि जब सरकार बजट बनाती है तो उसकी संरचना कैसे करती है, उसके क्या क्या चीजें होती है, तो जरा ध्यान देखो। बजट के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है सरकार की बजट प्राप्तियां और एक होते हैं सरकार के बजट व्यय। सरकार की जो बजट प्राप्तियां होते हैं उन्हें भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां जो सरकार को लगातार हो रही थी, पूंजीगत प्राप्तियां जो कभी कभी होती थी। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, पीछे के पार्ट आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। नाउ बजट व्यय भी राजस्व और पूंजीगत व्यय, यहां देख रहे हो बजट में राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, और यहाँ राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। आप नोटिस करो यहाँ राजस्व प्राप्तियां और यहाँ पे राजस्व व्यय है, है ना। उसी तरह से अगर हम राजस्व प्राप्तियों को भी दो भागों में बांटते जाएं तो बनती है कर प्राप्तियां और करेतर प्राप्तियां, इसका दूसरा नाम है गैर कर प्राप्तियां बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं आपको तो जो हमारी सरकार को पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, विच मीन्स जो कभी कभी होती हैं, उनके भी तीन पार्ट हैं। इसमें आ गया उधार, आ गया आपका विनिवेश, आ गया और कर्ज की वसूली आ गया, ठीक है। तो अगर मैं कभी आपसे ये बोलूं कि राजस्व प्राप्तियां निकाल के दो, क्या बोल रहा हूं मैं, राजस्व प्राप्तियां, तो इसका मतलब है राजस्व प्राप्तियों का मतलब है कर प्लस करेतर प्राप्तियां, इन दोनों को जोड़ देना। और अगर कभी मैं आपसे बोलूं कि पूंजीगत प्राप्तियां निकाल के दो, तो इस केस में आप ये दोनों जोड़ देना। तो मैं अगर यही फॉर्मूला लिखूं, एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको लिख देना है, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला इसी से बन गया, क्या, राजस्व प्राप्तियां इज इक्वल टू कर प्लस करेतर प्राप्तियां, कर प्लस करेतर प्राप्तियां, ठीक है। अब नॉर्मली ये चीजें आपको समझने के लिए मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। पहले आपने ध्यान रखना है, इस स्ट्रक्चर को नोट कर लेना है। स्ट्रक्चर को नोट करने के बाद अब मैं एक एक के फॉर्मूले लिखवाता हूं यहां पर, जरा ध्यान से देखिएगा। और ये हम चारों की चारों की क्या लिखेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे। तो जरा सबसे पहले आते हैं हमारे पहले वाले पे। पहले का नाम क्या है हमारा, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। तो बेटा राजस्व घाटे में आपको क्या करना है, जो वर्ड दिख रहा है ना राजस्व, उसमें दोनों राजस्व और राजस्व ले लेना है। तो घाटा है तो व्यय पहले आएगा, तो इसलिए फॉर्मूला बनेगा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब अगर आप मेरे से पूछे कि ये कैसे निकलेगा सर, राजस्व प्राप्तियां अगर कभी ना दिया हो, तो यहां पर देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है राजस्व प्राप्ति का फॉर्मूला, क्या,
राजस्व प्राप्तियां इज इक्वल टू होता है कर प्राप्तियां प्लस करेतर प्राप्तियां, लिख देता हूं शायद आप भूल जाए, राजस्व प्राप्तियां इज इक्वल टू कर प्लस करेतर करेतर प्राप्तियां, ठीक है, यहां से मिटा दूंगा नीचे से मैं। ओके, तो जब यहां पे लिख दिया है तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, यहां से हम क्या कर देते हैं इसको मिटा देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैंने लिखा था बजटीय घाटा, तो बजटीय घाटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, उसके बाद दूसरे वाले का देखिए, बजटीय घाटा, इसका फॉर्मूला आता है कुल व्यय, या आप ये बोल सकते हो बजट व्यय, ध्यान से करो यहां पर डेफिनेशन देखो, कुल व्यय बोलू या फिर बजट व्यय बोलू, बात एक ही है, बजट व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, कुल का मतलब बजट प्राप्तियां। अब इसका मतलब फॉर्मूला भी यहां पे जरा ध्यान से देखो कि अगर आपको बजटीय घाटा निकालने को आए तो इसका मतलब है आप इसमें से ये लेस कर देंगे, तो ध्यान रखना अगर आपको बजट प्राप्तियां निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देना, और बजट व्यय निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देना। तो आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे मैं इसको मिटा दूं तो आप सिंपल लिख लीजिए यहां पर क्या, बजट व्यय, मैंने बता दिया किन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को, माइनस बजट प्राप्तियां, ठीक है। उसके बाद चलो ये समझ आ गया। अब इसके बाद एक तीसरा फॉर्मूला आता है जो कि है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैं अभी इसको दोबारा से लिखवा दूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, यहां भी मिटा देता हूं। तो तीसरा जो फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं किसका, राजकोषीय घाटे का, राजकोषीय घाटा। देखो राजकोषीय घाटे का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में उधार दिया हो ना तो वो डाल देना, उधार विच मीन्स कर्ज, कर्ज और राजकोषीय घाटा एक दूसरे के बराबर होते हैं। आप ही समझो अगर आपके घर में आय कम आ रही है और व्यय ज्यादा हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, उधारी तो लोगे, तो मतलब जितना उधार ले रहे हो उसका मतलब यही तो दिखा रहा है कि तुमने इतना एक्स्ट्रा खर्चा करा अपनी इनकम से, तो उस केस में सरकार अगर उधार ले रही है इसका मतलब उसने अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर दिया है, तो उधार राजकोषीय घाटे की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है यहीं पर, क्या, राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल व्यय, कुल व्यय, कुल व्यय का मतलब वही बजट व्यय हो गया, माइनस कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां। लेकिन यहां पर प्राप्तियों में एक छोटी सी चीज है स्टार, यहां पर कुल प्राप्तियों में आप उधार को छोड़ देंगे, ध्यान रखना किसको नहीं लेंगे, उधार छोड़कर, उधार छोड़कर, विच मीन्स आप जब कुल प्राप्तियां निकालें तो उसके अंदर उधार को शामिल मत करिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको निकालना पड़े, मान लो कुल व्यय निकालना है, कुल व्यय, तो फॉर्मूला क्या बनेगा जी, दोनों व्यय को जोड़ दो, राजस्व को और पूंजीगत को, तो राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, ठीक है, ये दोनों हो गए। और इसी तरह से अगर आपको कुल प्राप्तियां निकालनी है तो सेम, कुल प्राप्तियां इज इक्वल टू क्या, राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। आप नोटिस करिएगा मैंने बोला किसको छोड़ देना, उधार को मत लेना, उधार छोड़कर, छोड़कर, अभी उधार छोड़कर, उधार छोड़कर का क्या मतलब है जब मैं बोल रहा हूं जी, मैं इसका मतलब ये कह रहा हूं, अब मैं बताता हूं आपको पूंजीगत प्राप्तियों में क्या क्या आता है। पूंजीगत प्राप्तियों का फॉर्मूला देखो, पूंजीगत प्राप्तियां, तो इसमें आती है तीन चीजें, एक तो आता है विनिवेश, मैंने अभी लिखा था इसको विनिवेश, ठीक, एक कर्ज की वसूली, अगर आपने किसी को कर्ज दिया है तो वो वसूलना, कर्ज की वसूली, कर्ज वसूली, ठीक, और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके अंदर, वो जो तुमने उधार लिया है। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप राजकोषीय घाटा निकाले ना तो पूंजीगत प्राप्तियों का फॉर्मूला केवल इतना हो जाएगा, कितना, निवेश, विनिवेश प्लस कर्ज की वसूली,
ठीक है। लेकिन अगर आप क्या निकालें, बजटीय घाटा निकालें और आपको यहां पर क्या निकालना है, बजट प्राप्ति निकालनी है, तो इसमें उधार को भी शामिल कर लिया जाता है। तो पेपर में कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि जब दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, क्यों? बजट व्यय का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही तो हो गया कुल व्यय, और इसका मतलब क्या हो गया कुल प्राप्तियां हो गया, तो इन दोनों में फिर अंतर ही क्या रहा, बजट बजटीय घाटे और राजकोषीय घाटे में? जी अंतर रहा है उधार का। बजटीय घाटे में उधार को भी प्राप्ति में शामिल कर लिया जाता है, इसलिए मैंने वहां कुछ नहीं लिखा ब्रैकेट में। लेकिन जब हम राजकोषीय घाटा निकालते हैं तो राजकोषीय घाटे में कुल प्राप्तियों में उधार को शामिल नहीं किया जाता। आपको दिख रहा है पूंजीगत प्राप्ति, उसमें तीन आइटम आते हैं, तो इसको नहीं लेंगे कब, जब राजकोषीय घाटा निकालोगे। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया। अब इसके बाद आपको समझाना है लास्ट वाला, तो वो है जी प्राथमिक घाटा, पॉइंट नंबर 4, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या होता है? प्राथमिक घाटे को निकालने के लिए जरूरी है कि आपने क्या निकाल लिया हो, आपने राजकोषीय घाटा निकाल लिया हो, क्योंकि अगर आपने राजकोषीय घाटा नहीं निकाला है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान। आपने कितने पुराने कर्जों पे जो ब्याज भर रहे हैं, अभी तक पुराने जो उधार लिए थे उन पर ब्याज भर रहे हैं, तो उन पर कितना ब्याज भर रहे हैं, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चार फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्या पढ़ने के लिए, बजट घाटा पढ़ने के लिए। अब अगर मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करके दिखा दूं तो मैं सेक्शन पे करके दिखा सकता हूँ, प्लस आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन दे सकता हूं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना, उसका लिंक प्रैक्टिस करने के लिए। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं और आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं उसका कि कैसे होगा। ठीक है, फॉर्मूले में कम लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, फॉर्मूले ऑलरेडी यहां पे लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, मैं आपको कुछ वैल्यू बता दे रहा हूं और उससे हम निकालेंगे बजट घाटा। पहली वैल्यू क्या दी है हमारे को, पहली वैल्यू दी है मान लेते हैं कर प्राप्तियां, या कई बार इसको कर राजस्व बोल देते हैं, कर राजस्व दिया है कितना, बुक ले लेता हूं मैं, कर राजस्व दिया है 47, ठीक है। उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियां दिया हुआ है, पूंजीगत प्राप्तियां दिया है, ये दिया है 34। उसके बाद अगला आइटम क्या दिया है जी, गैर कर प्राप्तियां, जिसे हम करेतर प्राप्तियां बोलते हैं, करेतर राजस्व बोल सकते हो, प्राप्तियां बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये है जी 10, ठीक। उसके बाद और आइटम इधर दिए हुए हैं, उधार कितना दिया है जी, उधार दिया है 32 बेटा, ठीक है, ओके। देन उसके बाद राजस्व व्यय दिए हुए हैं, राजस्व व्यय ये कितना दिया है, ये दिया है 80, और ये दिया है ब्याज, कितना तुमने ब्याज भरा है, तो ब्याज भुगतान दिया हुआ है 20। अब इसमें क्या करना है, आपको निकालने हैं मेनली तीन घाटे अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कौन कौन से, एक तो पहला वाला निकालना है, एक तीसरा निकालना है और एक चौथा निकालना है। ये जनरली कम पूछा जाता है बजटीय घाटा, बट तब भी याद रखना बजटीय घाटा और राजकोषीय घाटे में अंतर होता है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले इसमें राजस्व घाटा निकालूंगा, फर्स्ट राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटे का फॉर्मूला क्या होता है, आप नोटिस करिए, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या निकाल, इधर देखो, कर राजस्व कितना है और करेतर कितना है 34, ठीक है। तो ये मेरा दोनों मिला के क्या आ गया, राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आपको पेपर में पूरा लिखना है। तो राजस्व व्यय कितना है मेरा बेटा, 80 माइनस राजस्व प्राप्तियां 47 प्लस 10, 80 माइनस आई थिंक 57 कितना आएगा भाई, 23 आएगा इसका आंसर, यस 23। और क्योंकि ये सारी वैल्यू जो दी है वो अरब या करोड़ में दी होती है, तो आप लास्ट में आंसर निकाले क्या लिख देना जी, इतना अरब आ गया, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, राजस्व घाटा आ गया, कितने का, 23 अरब का, ठीक है। एक तो सॉल्यूशन ही हो गया। उसके बाद दूसरा बेटा इसमें निकालना मुझे राजकोषीय घाटा। देखो राजकोषीय घाटे में मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगा कि मैं इतना ना फॉर्म लगाऊं, क्यों, क्योंकि एक हिंट दी हुई है, मैंने बोला था राजकोषीय घाटा बराबर होता है उधार के। तो क्या यहां पर उधार दिया हुआ है, जी दिया हुआ है,
तो राजकोषीय लिख देना, ये राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू उधार या फिर कर्ज। तो राजकोषीय घाटा कितना हो गया, इसी बात पे कोषीय घाटा इज इक्वल टू 32। एक आंसर मेरा ये आ गया, पीछे क्या लगा देना, अरब। ठीक है, उसके बाद लास्ट थर्ड जो निकालना बेटा वो निकालना मुझे प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे का फॉर्म लगाएंगे, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। राजकोषीय घाटा कितना आया 32 और ब्याज कितना दिया क्वेश्चन में 20, तो ये कितना आ गया 12। ये आ गया हमारा प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो मैंने ये तीनों चीज आपको निकाल के दिखा दी। आप ऐसे ही क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देता हूं, प्लस अगर आप चाहते हैं कि और पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के जाए तो भी आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी बुक से इतने क्वेश्चन को लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पार्ट फोर में मैंने बताया आपको कि बजट घाटा क्या होता है और बजट घाटे को न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसकी थ्योरी भी चाहिए बजट घाटे की और ये पढ़ना है कि राजकोषीय घाटा क्या प्रभाव डालता है हमारे इकोनॉमी पे, इसकी इंप्लीकेशन, इसके निहितार्थ क्या है ऐसे राजस्व घाटे के, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर कमेंट करके कई लोगों ने पूछा बीच में, समझ रहे हो, अगर आपका डिमांड ही नहीं है तो फिर उसकी सप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। अगर डिमांड आती है तो उसका नेक्स्ट पार्ट ही बोर्ड से पहले बना दिया जाएगा, अदरवाइज पार्ट फोर तक आपका बजट घाटा खत्म। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो कमेंट में आप बताएंगे कि ये वाला चैप्टर कंप्लीट करा दो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू टाइम, बाय बाय।